साकिब, ये जो आइडिया है कि लोग यहाँ जॉब अप्लाई ना करें, Indeed.com पे, Glassdoor.com पे, LinkedIn पे, यहाँ रहें और यहाँ से बैठ के बाहर के लोगों से, जैसे यहाँ काके को कहते हैं भाजी यार तो लगा हुआ है कि मेरी भी लगवा दे, कोई इंटर्नशिप भी लगवा दे कहीं, जैसे यहाँ अपने दोस्तों को बोलते हैं तो वहाँ सुजन को, जॉन को, टॉम को, डिक को, हैरी को बोलना शुरू कर दी, यार यार कोई इंटर्नशिप भी लगा दे यार, कुछ कर भाई। तो आपके ख्याल में सारे तो नहीं ऑनलाइन चले जाएंगे, लेकिन इन इन बच्चों को कोशिश नहीं करनी चाहिए इस काम करने की? जी थैंक यू। सो जरूर, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर। जैसे बहुत सारी चीज़ें आज मैंने आपसे सीखी तो मैं नहीं जानता था, तो मेरा बहुत बड़ा एक्सपोजर हुआ। ये तब आता है, इंसान को पता चलता है जब वो उस जैसे लोगों के साथ बैठता है, ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारता है जिसको उस चीज़ की नॉलेज हो। अब आप अगर ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जिसने कभी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं की, जिसने आज तक कभी दुनिया नहीं देखी, जिसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे आप सीखेंगे? इसलिए एनवायरनमेंट और कंपनी मैटर्स अ लॉट। आपने जो वेबसाइट्स मेंशन की, इसमें भी बहुत सारी मॉन्स्टर, एक बहुत ज़बरदस्त बड़ी वेबसाइट है पूरी दुनिया में जहाँ बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स होती है, वहाँ पे आप जाएं और लिंक्डइन पे देखें, मॉन्स्टर पे देखें और बहुत सारी जॉब्स रिमोट मिल जाएंगी। तो लोगों को सबसे पहले तो सर्च करना आना चाहिए कि सर्च कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हाउ टू फाइंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ये भी नहीं पता। इनको ये भी सिखाना पड़ रहा है कि आपको जो चाहिए उसको ढूंढना कैसे, गूगल का कैसे यूज करना है। अनेबलर्स के अक्सर लोग पूछते हैं सर वेयर इज योर लाहौर ऑफिस, भाई गूगल पे जाओ, लिखो लाहौर ऑफिस अनेबलर्स एंड देन यू विल सी इट। मतलब व्हाई डू वी नीड टू इवन आस्क दीज थिंग्स? ये सीखना होगा खुद से कि कैसे चीज़ों को फाइंड करना, फिर ही हमारा मुआशरा और लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर मजीद ग्रो करें। अच्छा, मैंने आपसे ये भी एग्जाम्पल भी दी कि चाइना में किसी को हेलो हाउ यू बोलना भी नहीं आता, हालांकि मास्टर्स किया हुआ होता है ना, तो उसको किसी ने सिखाया ही नहीं है हेलो हाउ यू बोलना। तो हमारे वाले को भी क्योंकि किसी ने गूगल करना नहीं सिखाया, चैट जीपीटी नहीं सिखाया, यूट्यूब पे अर्तगुल गाजी का तो ऐलान कर दिया लेकिन और नहीं बताया कि यार तुम जाके शाम से सीख सकते हो, साकिब से सीख सकते हो। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान और जोंग, टेलीनॉर, ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, अगर ये टीवी पे इश्तिहार कर दें पाजी घर में बैठो, हमसे 3,000 रुपये में अनलिमिटेड डेटा खरीदो और ऑनलाइन जॉब करो यार, ऐश करो, चिल करो, इनको भी फायदा होगा, कौम को भी फायदा होगा, और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, ये हमेशा जब भी चेंज आता है और जो एक स्केलिंग आती है वो टॉप लेवल से आती है। अब वो टॉप लेवल अगर आज आप देखें, फॉर इंस्टेंस अगर हम इमरान खान के फॉलोअर्स ही देख लें, वो है करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। हम देख लें दूसरे लीडर्स के फॉलोअर्स देख लें, इनकी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया प्रेजेंस है। आपने कभी इनके चैनल से देखी है ये चीज़ें जिसमें यूथ को ये कहा जाए कि ये अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की चीज़ों पर आप आए करें? इन्होंने हमेशा ही एक दूसरे पर तनकीद की है। कभी इनसे ये जो सारे लीडर्स हैं, नो लीग वट एवर, इनके चैनल से ये चीज़ें ड्राइव होनी चाहिए जिसमें मैं समझता हूँ एक बहुत मैस लेवल की चेंज आ सकती है। जब कोई ऐसे अकाउंट से ट्वीट किया जा रहा है जहाँ पे करोड़ों लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं, आज उन पर ये जो मैसेज हम आज बात कर रहे हैं ये लिखा जाए तो इसका इम्पैक्ट देखिए, इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा। तो ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाकर फेसबुक के ऑनर से मिल रहा है, अमेजोन के ऑनर को इंडिया बुला रहा है और यूट्यूब के ऑफिस खोल रहे हैं, हमारे देख लें क्या कर रहे हैं, हमारे जा रहे हैं ये IMF से मिलने मुजाकरात कर रहे हैं, यहाँ रोज़ पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हमारे ये प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो मकसद है कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको हमें पहचानना होगा, हमें देखना होगा कि अपने लीडर चूज़ करने का भी क्राइटेरिया क्या है, देन आई थिंक इंशाल्लाह चेंज विल कम। अच्छा, हाल ही में आज़ाद चाय वाले ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की कि उसने मेरे सारे कोर्सेज अपने चैनल पर चढ़ाना शुरू कर दिए, हालांकि वो भी उस तरह की चीज़ें भी पढ़ाता है। उसने कहा नहीं रेहान भाई आप दे मैं चढ़ा देता हूँ। तो क्या मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप भी मेरे जो मैं बेसिकली बोलना बेसिक सिखाता हूँ, मैं ABCD जैसे आप कह ना गूगल करना नहीं आता, ये चीज़ मैं बहुत साल से भागता हूँ कि यार इनको ABCD नहीं आती, हम EFGH कैसे सिखाएं? तो मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि साकिब ने, सनी ने इतना काम किया लेकिन फिर भी 2 मिलियन लोग भी नहीं पहुंचे, 250 मिलियन में से यानी 1% भी बाल अभी तक नहीं पहुंचे लोगों तक। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप रोल मॉडल बने, आप मेरे कंटेंट लगवाएं, आपके कंटेंट मैं और लोगों को कहता हूँ कि वो लगाएं और फिर हम ये जो आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया आज कि मैं अब ट्विटर के ऊपर ना अनलिमिटेड वीडियो की ऑप्शन आ गई है, आप घंटे की वीडियो भी जुड़वा सकते हैं, तो हम प्रेजिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाईजान आप फ्री लैंसिंग की ABC का कोर्स आप चढ़ा दें।
आप जो है ना अमेजोन की एबीसी का कोर्स आप चढ़ा दें, यूट्यूब की एबीसी का कोर्स आप चढ़ा दें, एथिक्स का कोर्स आप चढ़ा दें। बड़ा अच्छा मुझे आपका ये सजेशन लगा कि अगर ये कर लें तो उनका कौन सा खर्चा हो रहा है और वो मशहूर भी हो जाएंगे और उनको फिर तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप भी अपने चैनल पे जो कंटेंट चढ़ाएं। सीबीएस जो हमारे 200 से ज्यादा वहाँ कोर्सेज हैं फ्री में हम देते हैं, 5 लाख लोग ले चुके हैं अभी, तो जो भी समझता है वो वैल्यू ऐड करना चाहता है। हमने तो लोगों को पे करके ये बनवाए हैं, आप हमें फ्री देना चाहते हैं तो हमारे लिए फायदा है, तो आप हमें दीजिए, हम ऐड करते हैं, हमारी लाइब्रेरी भी इंक्रीज होगी और हम लोगों को वैल्यू ऐड करेंगे, जरूर आप हमें दें और इंशाल्लाह हम ऐड करते हैं। मैं तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो आजकल बैक बेंच पे हैं उनसे भी और जो फ्रंट बेंच पे हैं उनसे, आजकल तो सारी बैक बेंचर हैं क्योंकि छुट्टियों पे हैं, तो जब तक इलेक्शन पता नहीं होंगे नहीं होंगे, कब होंगे इंशाल्लाह होंगे, तो जब तक आप ये कर लें कि आप हमारा एजुकेशनल कॉन्टेंट ले लें हमसे और आप अपने यूट्यूब से, आप अपने फेसबुक से, आप अपने ट्विटर से रीच तो करते हैं, ये भी करना शुरू कर दें तो लोगों को फायदा हो जाएगा। इतने इतने मिलियन फॉलोअर हैं इमरान खान साहब के और बाकी खान साहब के, नवाज शरीफ साहब के, तो हम क्यों ना इनसे फायदा उठाएं। ताकि एक्सीलेंट आइडिया, लव इट, आई होप के कोई सुन रहा होगा, नहीं तो हम दोनों ने तो सुन ही लिया, कुछ करेंगे। शुक्रिया बेटा, थैंक यू।